नचनिए। एक्सक्यूज मी, मे आई हेल्प यू? कैन आई हेल्प यू? हाउ कैन आई हेल्प यू? एक ही चीज तीन तीन बार अंग्रेजी में, सीख गया का गुरु? बहुत बढ़िया। एक्सक्यूज मी, लेकिन आप मुझ में इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहे हैं? कोई तकलीफ? तकलीफ नहीं गुरु, हमें तुमसे मोहब्बत हो गई चोमू लाल। आपका दिमाग खराब हो गया है। अरे दिमाग तो तुम्हारा खराब हुआ है, तब से जो है छचन किए पड़े हो, मतलब राजेश जैसी बीवी को पहचान नहीं रहे हो, अम्मा को नहीं पहचान रहे हो, हमको नहीं पहचान। बताओ लंगोटिया यहाँ रहे हम तुम्हारे, नौ नौ तो बच्चे तुम्हारे जो हप्पू सिंह की औलादे उसको तुम नहीं पहचान रहे हो। अरे किसके बच्चे, मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई। अच्छा मतलब तुम्हारी शादी नहीं हुई, तो फिर ये जो नौ नौ तो बच्चे किसके हैं? अपने बाप के होंगे, और किसके होंगे? और इनके बाप कौन है? अभी तो तुमने बताया दरोगा हप्पू सिंह कोई है उनका बाप। अच्छा तो हप्पू सिंह तो तुम्हारी हो ना? हे, मैं कोई हप्पू वप्पू नहीं हूँ, मैं हूँ शंकर दादा, मशहूर डांसर शंकर दादा। कोई तकलीफ? बेटा तुम शंकर दादा नहीं हो, तुम हो भयंकर दादा। और तकलीफ तो तुम्हें हुई थी जब, याद है बचपन में तुम बगैर कपड़ों के लोटा लेके गए थे खेत में, और पीछे से आगे सांप ने जो माइंड योर लैंग्वेज। अबे तुम अपने माइंड और लैंग्वेज को बराबर करो, समझे ना। दुनिया को बेवकूफ बना सकते हो, अपने दोस्त को नहीं है। बचपन के हम लोग दोस्त थे, साथ में हम लोग खेत जाते थे, और तुम्हारे पिछवाड़े पे जो है सांप ने, याद है? माइंड योर लैंग्वेज। शंकर दादा के बारे में एक चीज मशहूर है, ना तो शंकर दादा कभी घिसे पिटे गानों पर डांस करता है, और ना ही घिसे पिटे लोगों से दोस्ती करता है। तकलीफ? हमें तकलीफ नहीं, तकलीफ तो तुम्हें हुई थी जब तुमको पिछवाड़े पे से सांप ने। ए बी ए बी ए सी बाल चुप चुप। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, जाने आज भी बाल ना धोए। व्हाई आर यू शाउटिंग? दिस इज ब्यूटीफुल होटल नॉट जंगल। अरे तो ये बताओ कि ब्यूटीफुल होटल है जंगल नहीं है, तो फिर ऐसे गधे घोड़े को कहाँ बुला लेते हो? और एक बात बताओ, तुम पहले तुम युगांडा से हो क्या? लंच में क्या है यार? नहीं, आई एम फ्रॉम हेलो, व्हाट अ जाहिल कस्टमर्स, कांट हेल्प इट। मदर, मदर यू प्लीज स्टॉप फ्लोइंग योर टीयर्स, ना मीटिंग एटिंग रूट। नहीं आज ना भाई, तो मोर का करे बताओ, तुम्हारे पापा जो हरकत कर रहे हैं ना, तो बाद में हम डांस तो करें नहीं। दीदी मैं तो कहता हूँ यू मस्ट डांस इन फ्रंट ऑफ हप्पू अंकल, इन फ्रंट ऑफ हसीना। व्हाट इज द सरनेम ऑफ हसीना का? अनकंफर्टेबल। यस यस वी गॉट इट, अनकंफर्टेबल। आपको हप्पू अंकल और हसीना बेचैन, हसीना बेचैन के सामने डांस करना चाहिए। तिरकिरदा तिरकिरदा तिरकिरदा, ब्रेक इन द फ्लोर। ऐसो है कमलेश, चुपचाप नाश्ता कर लो, नहीं तो मैं नाश्ता के संग कुछ और खाने पड़े आई बात समझ में। बकवास ना करो, हम इतने बेनी को इंतजार कर रहे हैं, हमें कुछ इम्पोर्टेंट बातें करने हैं उनसे। My dear mother, you're not understanding. Kamlesh is trying to tell you that you know father is already dancing with that Haseena uncomfortable. तो फिर हम कौन के संग नाचे? Hello everybody. Hey, hey. Don't worry madam. You are my customer. So I can help you. I'm a very good belly dancer, you know. See. Mother, we're finding our partner. तो तुम बाद में बात करें, आई बात समझ में। एक बात बताओ मैनेजर साहब, नहीं आपको इतने होटल में जो पैसा मिला था, वो नाचबे को मिला था क्या, जो काम करने को मिला था तुम्हें? That's a very nice question. I tell you, madam, you are my customer. और कस्टमर के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, बिकॉज कस्टमर सेटिस्फेक्शन मैटर्स। नहीं तो जब होटल में अकेले हम ही कस्टमर बैठे हैं का, जाके कहो और को सेटिस्फाई करो ना तुम। That's not fair, madam. हम बहुत ही ज्यादा फेयर हैं। मदर यू नो व्हाट, मी टेलिंग यू वन थिंग, मीनिंग आपको ना पापा को जलाना पड़ेगा तभी वो लाइन पर आएंगे, वरना ना ये आपकी नई जो सौतन है उसको तो वेलकम करने के लिए हम लोग रेडी है ही है। आप तक अल्लाह, चलो फोटो ही कैसे बेनी आ रहा है, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें करने के लिए निकलो। मदर बट यू प्लीज थिंकिंग अबाउट दिस हां। दीदी एक्चुअली मी वांट टू से अबाउट माय पापा, माय पापा चलाइंग द चक्कर विद द फुल नचनिया एंड डूइंग द डांस इन द डांस बार में, एंड माय मम्मी इज नोज, माय मम्मी कम इन द डांस बार एंड सी माय पापा एंड माय मम्मी तिरकिरदा तिरकिरदा डूइंग द डांस विद द वेटर एंड माय पापा सी माय मम्मी माय पापा। ओ वाह,
my papa come near my mummy and catching the hand and never come back with full luna chaniya. My God. Hello, good morning. Good morning, good morning. Bye, many uncle. Bye, bye. चलो चलो कटो जल्दी. अरे देखो नाश्ता भी पूरा नहीं किया इसने नाश्ता है. तुम खा लेना बिंजा बता. बहुत बढ़िया होटल है, मतलब युगांडा की राजकुमारी को बोला, उसने बोला 40% शेयर होल्डर है. होटल तो बहुत अच्छा है. तुम जब बताओ तुम्हारी बात वही का दरोगा हप्पू सिंह से. अरे बात हुई, झाड़ के एकदम सपाट कर दिया. हमने बोला कि यार तुम कहाँ ये हसीना पसीना के चक्कर में पड़ी हो, मतलब इतनी अच्छी बीवी है, नौ नौ दो बच्चे हैं, हैं तुम उसके साथ तुम्हारा रूप होना चाहिए. लेकिन तो का बोले? अरे हम बोले ना, फिर हमने बोला देखो मतलब लक्ष्मी है राजेश, मतलब ऐसा कि 500 वाट का बल्ब ही लेके ढूंढोगे ना तो ऐसी लड़की नहीं मिलेगी. इतने प्यारे बच्चे, सुधर जाओ, एकदम वार्निंग दे दी. फिर हमने ये बोला कि नौ नौ तो बच्चे हैं, तुम्हारी अम्मा है, तुम उसको छोड़ के ऐसी उल जुलूल हरकत कैसे कर सकते हो. तो फिर क्या बोले वो? हम तो बोलते रह गए लगातार. तुम नहीं, वो कछु बोले कि तुम ही बोलत रह गए होते. वो मुझे ऐसे घूर के लगातार देखता रहा और चुपचाप चला गया जैसे मुझे जानता ही ना हो. मतलब तुम्हारी इतनी बातों ना कोई असर ना पड़ो उन पे. कैसी बात कर रही हो यार राजेश, तुम बातों का ऐसा असर पड़ा है ना कि वो अभी जो है ना, देखना होटल में किसी कोने में कहीं दुबक के चुपक के जो है वो रो रहा होगा, पछता रहा होगा. Hello, madam, I'm back. क्या है? You are in a very big गलतफहमी. शंकर दादा उर्फ हप्पू सिंह उस हसीना बेचैन के साथ होटल के स्विमिंग पूल में तैर रहा है. तुम एक नंबर के ना बकवास आदमी. तुम्हारी बातों में कुछ दमा ही नहीं है. तुम बात को समझे नहीं. मैंने बोला ना वो पछता रहा होगा, पानी में डूब के पछता रहा होगा. वो कल मतलब रात में जब सोएगा ना तो तकिया अपने मुंह में लेके रोएगा. ऐसो है बे नहीं. अब तुम ये बकवास अपनी बंद कर ले, ठीक है? तुम को काम के ना हो. तुम एक नंबर के खल्ले आदमी रह गए हो बस. आई बात समझ में? अरे तुम समझ नहीं रहे हो यार, तुम युगांडा से हो क्या? तुम चुप हो जाओ. जे कहूं को भी हो, युगांडा चाहे कुनिया के खेत को हो, लेकिन तुम एक बात ध्यान से सुन लो. अगर हमाओ घर उजड़ो ना तो हमारी बहन बिमले तुम्हारे साथ जिंदगी में कबो घर नहीं बसाई है. तुम्हारी शादी गई घुइया के तेल में. अब तुम क्यों परेशान हो रही हो? हसीना की कोई बहन वहन है क्या? वन ब्रदर वन सिस्टर. और तुम हम जो है ना सब चीज सलट लेंगे, पूरी तरह से लगे रहेंगे हम. कुछ करते खामोश हो जाओ. कुछ करते मैं नाश्ता कर लेता हूँ पहले. रणवीर, मैं अपने पापा को अच्छी तरीके से जानता हूँ. वो हमसे बहुत प्यार करते हैं. नहीं, वो अब हम लोगों से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते. चमची बिल्कुल सही कह रही है. वो इंसान हमसे बिल्कुल प्यार ना करते हुए. अरे अब पता है हमने इतना इमोशनल गानों गाओ तब तो उनको दिल बाहर आ जाना चाहिए. तो हाँ ना, तो उनका दिल बाहर आया, ना कलेजा बाहर आया, ना लीवर बाहर आया, कुछ बाहर नहीं आया. Actually, my father is a stone hearted. Yes, Kat, you are right. You are wrong. My father has chocolate heart. No, my father has chest. अच्छा तुम सबको का हो बे? जी तुम हिंदी से अंग्रेजी पे क्या उतर आए हो? हिंदी पे वापस जाओ, मुझको कुछ समझ में ना आ रहा है. अरे यार, हिंदी में बोलो, अंग्रेजी में बोलो या स्पेनिश में बोलो, मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो इंसान हमारे साथ नाच रहा था, he was not my father. Oh, Ritik, speaking right English only. He was not the father, okay? दीदी तुम समझ ना रही हो. अरे वो इंसान हमारो बाप ना है. वो पता है वो का नाम है बाकू? शंकर दादा. शंकर दादा है वो. देख रही मनोहर, जो है हमारा लौंडा अकेले सबसे लड़ रहा हूँ. सर ऋतिक को देखकर ऐसे लगता है कि वही आपका असली बेटा है. मतलब सारी ऋतिक ही सारे हमारा लौंडा है और बाकी का फ्री फंड से पेड़ से टपक के गिरे हमारी गोद में. सारे के सारे हमारी आंखन की तारी है, हमारे कलेजा के टुकड़ा है जी. सॉरी सर, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था. सर मैं ये कहने जा रहा था कि तू अपने मतलब की बना बत्ती और बस कान खुजा और पड़ गया ना चाट हमारी. वो बापू ही था. मलाइका टेलिंग मी वन थिंग दैट हाउ कैन यू बी सो श्योर दैट ही वाज फादर? क्योंकि मैं हूँ हरियाणा पुलिस की बंदी. उसकी एक एक हरकत पर मारी नजर थी.
उसकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल पापू जैसी थी। Yes, Malaika is right. Malaika is absolutely right. तब तू मरने बताएगा कि मैं राइट हूँ या रॉन्ग? No, Malaika, one minute. Why are you angry on Kamlesh, huh? He's still talking right only, na? And also one thing that he is not any father, meaning our father. He's some Shankar uncle, that Mithun Chakraborty. Sir, अब ज़्यादा emotional मत होइए sir. अपने आप को control कीजिए sir, वरना हमारा mission चुप कर, चुप हो जा बिल्कुल चुप. तेरू मिशन गंगुइन्या की खेत में इतने देख हमारी फैमिली बट गई, सारे आधी होते को कह रहो जी अप्पू सिंह को कह रहो नैया, सारे बाप के लाने से बिलक रहे हैं, तू सारे मिशन मिशन कर रहा है, तू मेरे को चुप हो जा. क्या चीज राइट? क्या नहीं करते सू मनुअल, हमसे कंट्रोल ना हो रहा दादा. नहीं सर, रुक जाइए सर, सर रुक जाइए सर, मत जाइए सर, मत जाइए. अरे हम नहीं रुक सकते, हम तो जाएंगे अब. रुक जा. तूने हमारी ऐसे गुद्दी पकड़ी. सॉरी सर. तो क्या करें हम ऐसी परिस्थिति में, क्या करें हम सर? ऐसी भीषण परिस्थिति में तो आदमी बिजली की नंगी तारों से लिपटता है. नहीं सर, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ सर, आप तो बहुत ही बहादुर आदमी हैं सर. अब अगर तुमने एक शब्द भी बोलू ना मनु, तो हम सारे तुम को नंगी तारण में झुला देंगे बिल्कुल अपने मुंह. ब्रेक लेंगे आप? अरे आदमी है, पजामा है. पजामा क्या बोली? आओ आओ, बिल्कुल सही कह रहे हो मनोहर, हम तो है सारे पजामा, बल्कि हम का दुनिया को हर एक वो सारो आदमी पजामा है जो अपनी बीबी बच्चन से प्यार करते है, वही सारो दुनिया में सबसे बड़ो पजामा है. फिलहाल आपको ये पजामा ना उतार कर फेंकना पड़ेगा, समझे आप? क्योंकि आपने ऑलरेडी हमारी हिफाजत करने का पजामा पहना है. बिल्कुल. और आपने सर कानून का पजामा भी तो पहना हुआ है. ए फालतू की बकवास ना कर, सारे जो कानून के नाम को जो पजामा पहनो है ना हमने, वो हमने अपनी बीबी अपनी बच्चन की खातिर पहनो है. और अगर जो कानून को पजामा हमारे परिवार को हमारी फैमिली को पसंद नहीं आएगा, तो सारे जो कानून को पजामा हम उतार के फेंक देंगे. नहीं नहीं सर, आप बिल्कुल भी ऐसा मत कीजिए सर, बिना पैजामे के आप एकदम भयानक लगेंगे. तो सारे जाके सामने हमारी खिल्ली उड़ा रहे, मजाक कर रहे? नहीं नहीं सर, मैं तो सच्चाई बयां कर रहा हूँ. गोइंदा की खेत में गई तेरी सच्चाई जा रहे थे, हम परेशान दिख रहे हैं, तू हमें मजा ले रहा है? जी नहीं, आप सच्चाई को गुइया के खेत में फेंक कर मेरी जान को मुसीबत में डालकर कहीं नहीं जा सकते हैं, समझे आप? यहाँ सवाल मेरी जान का है, वो गुंडे मेरी जान के पीछे पड़े हैं, किसी भी वक्त आ सकते हैं, समझे आप? किसी भी वक्त. देखा, मैंने सही कहा था, उन गुंडों की नजर मुझ पर है, मेरी जान खतरे में है. वैसे सबकी नजर आप पर है हसीना जी. तो अपनी नजरें नीची कर ले. सॉरी सर. हसीना जी, आपके पैर बहुत खूबसूरत हैं, मोजे पहना कीजिए वरना मैले हो जाएंगे.
तू अपने फिल्मी डायलॉग ये बंद कर ले, बहुत होगा, अब बर्दाश्त के बाहर हो गई है, समझ रहे? हम जा रहे हैं सारे, अपनी बीवी बच्चों को सारी सच्चाई बताएंगे, नहीं तो हमें ऐसा लग रहा होगा हमारी बीवी हमें तलाक दे देगी, हम जा रहे। मैं हूं ना। रुका, तुम हो ना को का मतलब है? तुम का हमारी बीवी की जगह ले लोगी? देखिए, कोई किसी की जगह नहीं लेता, समझे आप? हम ये नहीं करें कि हम आपकी मतलब बीवी की जगह ले लेंगे, लेकिन आप अगर हमारे रिश्ते को थोड़ा सा अगर टाइम देंगे तो। ऐसा कौन सा रिश्ता? हमारा तो माओ कौन रिश्ता नहीं है दादा, मनवर जा को ढंग से समझा, सुनो, हमारा सिर्फ रिश्ता अपने बीवी बच्चों के साथ है बस, और जब बात हम अपने सबके बताने जा रहे। हट, एक सेकंड, चुपचाप बैठिए, आप कहीं नहीं जाएंगे, समझे आप? प्लीज हेल्प मी, प्लीज प्लीज प्लीज, अगर आपको बताना था तो आप लिफ्ट में बताती ना उस वक्त, जब तक हमसे बड़ी बिजली की तरह चिपक गए थे। हाँ, अरे यार तू कैसी गिरगिट की तरह रंग बदल रही है। अरे सुनो, वो तुमसे हम चिपके ना आते दादा, वो तो हमें अचानक हमारी बीबी लिफ्ट में आते देखी, हम घबरा गए, हमने डर के मारे मुंह चपा लो, तुम फ्री फंड में मौसम ना बनाओ अपनो, हमें ऐसे ना चिपके थे तुमसे। एक मिनट का, अरे 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 एक मिनट सर। अच्छा, अगर उस समय लिफ्ट में मैं आपके बगल में रहता तो क्या आप भी मुझसे ऐसे ही चिपकते? आप थोड़ा शांति से काम लीजिए। अरे तुम यार चुप हो जाओ, एक तो सुधर माई बीबी पहले ही समझ रही है क्या माओ तुमसे चक्कर है, और तुम ज्यादा शांति शांति करोगी अब भागो लगेगो रजीबा दिमाग से बिल्कुल पैदल है, भागो लगेगो हम शांति से चक्कर चल रहा हुए, प्राण ले लो सतोरा माए, ज्ञान बहुत दे रही है जी। हे भगवान, ऐसी बीवी से तो भगवान बचाए। हाँ, हम तो अपने शौहर पे कभी शक नहीं करेंगे। आपको तो शक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके साहब जब मीटिंग का बहाना करके घर से बाहर क्लब में जाएंगे तब आप ऑलरेडी क्लब में ठुमके लगा रही होंगी। यार, जो रेशम पलक होगी गुर्दन में ना बहुत कुछ ली है, अब जो गर्जिया कर रहा हुए। जैन साहब, हाउ हाउ साहब लगी है, मिशन मिशन चल रहा हुए, बहुत अच्छे से चल रहा हुए, हसीना की रक्षा कर रही है, हसीना बिल्कुल सेफ है। बोल रहे झूठ, बोल रहे झूठ, बोल रहे। अरे दादा, तो यार कैसी है यार जू? अच्छा ये बताओ, डिनर के लिए कहाँ चले? हमें खा लो। हसीना की गाड़ी इतनी हसीना की तरह मटकता ही रही है। कार के अंदर कोई मटक रहा होगा, इसलिए कार भी मटक रही है। का मतलब? Forget it, मैडम, आपको सदमा लग जाएगा। ना, तुम्हारा मतलब है कि जग के अंदर कोई है? Madam, don't mind and sorry to ask you, but आपके so-called husband कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं? वो तो लेकिन बहुत ही ज्यादा अजीब मैनेजर है, अपनी मैनेजरगिरी छोड़ के हमारे रिश्ते पे ना नजर रखे भाई है। कहने को मतलब कहा तो बाकी मतलब जा तो ना तो कि जब कार के अंदर हप्पू सिंह बैठे हैं। ना ना, हप्पू सिंह ऐसा नहीं कर सकते हैं, वो हमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, वो तो हमें बहुत ज्यादा चाहते हैं। आप यहाँ कुछ चुराने की फिराक में तो नहीं आई हैं?
ऐसो है मैडम, हाँ चुरान की फितरत तुम्हारी है, हमारी ना आई बस समझ में। माफ कीजिएगा, मैंने आपका क्या चुरा लिया? हस्बैंड चुराओ तुमने अमाउ। माफ कीजिए, मैंने आपको कोई पति वती नहीं चुराया है। अच्छा नहीं तो मुझे बताओ गाड़ी के अंदर कोई है फिर? देख लीजिए। कोई है? अकेली हूँ मैं। नहीं अभी तो इतने अच्छे कहाँ गायब हो गए जे? मच्छर थे, उड़ गए। क्या बकवास कर रही हो? बकवास आप करिए मैडम, मैंने आपसे कहा ना कि मैं अकेली हूँ गाड़ी के अंदर, आपने देखा नहीं तो तुम्हारी गाड़ी हिल कैसे रही थी? क्योंकि मैं डांस की प्रैक्टिस कर रही। अच्छा नहीं हम पागल है काम है, माथे में का लिखे थे? हाँ नहीं जी बताओ कि कार में डांस कैसे पॉसिबल होएगा? ठीक उसी तरह पॉसिबल है जिस तरह से गाड़ी में अकेले खो खो खेलना पॉसिबल है। आपको पता नहीं है मैं तो गाड़ी में अकेले खो खो खेलती हूँ। हाँ ऐसा है, तुम चाहे खो खो खेलो, कबड्डी खेलो, डॉक्टरी खेलो, हमें बस कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारे पति हमारे हस्बैंड को बख्श दो बस। मैं आपसे कितनी बार कहूँ मैडम, वो आपके हस्बैंड नहीं है, ही इज माय बॉयफ्रेंड शंकर दादा। वो हमारे पति है, इज माय हस्बैंड हप्पू सिंह।